हाय दोस्तों, वेलकम टू मोनाली की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसी रसमलाई, वो भी घर पे, सिर्फ दूध और चीनी से हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं रसमलाई बनाना। रसमलाई के लिए हमको चाहिए आधा लीटर दूध। मैं यहाँ पे अमूल पैकेट का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पैकेट का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम इस दूध को उबाल के लेते हैं। छेना बनाने के लिए मैं यहाँ पे पैन में दूध गर्म कर रही हूँ। इसको उबाल आने के बाद इसका हम छेना बनाएंगे। तो दूसरे पैन में हम रसमलाई का जो रस रहेगा उसके लिए भी हम आधा लीटर दूध यूज़ कर रहे हैं। इसको भी मैं पैन में गर्म करती हूँ दूसरी गैस पे। इसका आधा लीटर का जो दूध रहेगा उसको हम पाव लीटर बनाएंगे उबाल के। तो ये मैं साइड में गैस ऑन करके छोड़ दी हूँ, जब तक ये पाव लीटर नहीं बन जाए तब तक। छेना के लिए जो पैकेट का दूध है वो गर्म कर लीजिए। जब बॉईल होने लगेगा, जब उसमें 3 चम्मच या 4 चम्मच तक लेमन जूस ऐड कर दीजिए। अब ज़्यादा लेमन जूस ऐड मत कीजिए, नहीं तो छेना खट्टा हो जाएगा। और जब छेना निकल जाएगा दोस्तों, तब उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी से छेना में पानी डाल दिए, नॉर्मल पानी, और उसको छान लीजिए। ये आप देख सकते हैं दूध उबल रहा है और ये फट भी रहा है। जैसे जैसे दूध ज़्यादा उबलते जाएगा, वैसे वैसे छेना हमारा निकलते जाएगा। ये दूध पूरी तरह से जब फट जाएगा, जैसे दूध और पानी अलग दिखने लग जाएगा, तब गैस बंद कर दीजिए। देख सकते हैं आप, अभी हमको इसको छान के लेना है। अब यहाँ पे क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आधा लीटर का दूध छेना निकाल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऐसे आप अलग कर लीजिए छन्नी और दूध। जब पूरी तरीके से हमारा छेना निकल जाएगा, उसको प्रेस कर लीजिए। उसमें से थोड़ा सा जो भी पानी रहेगा वो भी निकाल दीजिए। याद रखिए कि इसको पूरा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा मॉइस्चर पानी रखे रहना है छेना में। दूसरी साइड में भी हमारा रस के लिए दूध उबल रहा है। कि जो दूध जो है, जितना अगर आप आधा लीटर दूध लेते हैं तो उसका पाव लीटर तक दूध बनाना है उबाल के। ये मेरा जब दूध उबल गया तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं 2 टेबल स्पून तक शुगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से और उबाल आने दीजिए, तब तक थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए मेरा जो छेना है, अब इसका हम बॉल्स बना लेते हैं। ये प्लेट में ले लीजिए और इसको अच्छे से मल लीजिए हाथ से। इसमें हम मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से हलवाई जैसे ही बनेगा। ये देखिए अब सॉफ्ट हो गया, ये अच्छे से मलना है। और फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अब छोटे छोटे बॉल बना लीजिए, ये उबलने के बाद इसके डबल साइज का हो जाएगा ये। तो ये मैं छोटे छोटे बॉल बना ली यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये बॉल्स मेरे बन गए। अब मैं उसको एक पैन में पानी डालती हूँ उबालने के लिए, जिसमें मैं 2 चम्मच तक चीनी ऐड कर देती हूँ मीठेपन के लिए। और इसमें मेरे सारे जो बॉल्स बने हैं मैं उसमें डाल देती हूँ। और इसको एक ढक दीजिए, कम से कम एक 10 मिनट तक इसको उबाल आने दीजिए तेज आंच पे। ये देख सकते हैं आप, 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे बॉल्स हैं वो डबल साइज के फूल गए हैं। इसका मतलब है हमारी रसमलाई अभी एक स्पॉन्जी बनेगी। ये आप देख सकते हैं, इसको एक साइड में निकाल दीजिए। इसको पूरी तरीके से प्रेस करके नहीं निकालना है, उसमें से थोड़ा शुगर का पानी जो है रखे रहना। उसके बाद ये सारे बॉल्स हम जो हमारी रस के लिए दूसरे पैन पे गर्म हो रहा था दूध, उसमें डाल देंगे और 1-2 सेकेंड के लिए उसको उबाल आने देंगे। उसके बाद आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं या ठंडा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रसमलाई हलवाई जैसे घर पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।